Hi guys, welcome back to my channel Unfiltered. एक बार मैं फिर से वापस आ गई हूँ मुनव्वर फारूकी के कुछ बिग बॉस मोमेंट्स जिस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं लास्ट टाइम से और क्या क्या अलग स्पेशल किया है मुनव्वर ने. एक चीज मैं जस्ट क्लियर करना चाहती हूँ, कमेंट में आप लोग बोल दो दैट मुनव्वर फारूकी के नाम पर मैं फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स अर्न करना चाहती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इज इज दैट कि जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है आई एम रूटिंग फॉर हिम. ही इज द ओनली वन जिसे मैं बिग बॉस में सपोर्ट कर रही हूँ. इफ यू फील सो, वो जस्ट क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो गलत है. इज इज दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम. I like him a lot as a comedian, as a stand-up, वो जो भी करते हैं. बिकॉज से पहले भी मैं उनकी फैन थी. It's just that कि अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है उनके बारे में बताने के लिए. What I feel, वो एक छोटे से जेस्चर में जस्ट एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. That's it. Another thing, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना. तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, देखते हैं क्या है आज के वीडियो में. So, here we go. भाई मैं देख नहीं रहा हूं, मैं बहुत भूख. मेरे को लगता है बिग बॉस अपने को इसलिए नहीं बुला रहा ताकि अपने को ना चिढ़ा सके. बोल बोल सुन अनुराग. देखिए भैया मुनव्वर कैसा लग रहा है? कैसा लगता है जब आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, लोगों को भड़काते हो, बहलाते हो, फुसलाते हो, भटकाते हो? मैं नहीं देख पाऊंगा भाई ये पार्टी वाला सीन. सच में मैं कितना मर रहा हूँ यार. Isn't it funny? Actually, they both are so funny together. और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मुनव्वर ने इस फनी मोमेंट में ही विक्की की सारी चीजें बता दी जो वो गेम में कर रहे हैं. सो या स्मार्ट प्ले. कुछ बता रहा नहीं है. एक इस बार के सीजन के सलमान खान में बोल सकती हूँ मुनव्वर को. एंड सेकंड थिंग, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ही वाज लुकिंग सो क्यूट एंड अडोरेबल. अगर आपको भी लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना. बस मैंने कहा ना आपको, मैं सुनूंगी सबकी लेकिन करूंगी दिल की. मैं दिल से खाना सबके लिए जरूरी है. वो तुम्हारा दिल विक्की भाई है. चुप रे बे. ऑन पॉइंट. इसी बात का तो डर है मुनव्वर हमें. बिग बॉस भी अग्री करते हैं दैट विक्की का अंकिता का दिल होना ही बहुत बड़ी बात है. आई मीन उस बात का डर है. पापा. His son is just like him. पापा. He's so cute. पापा. I love you, पापा. Aww. ट्रॉफी जीत कर आना. ऑब्वियसली मतलब लाइक ट्रॉफी तो लोमड़ी आने वाली है, बट दिस वाज सो क्यूट. एंड एज वी कैन से दैट लाइक फादर लाइक सन. जितना मुनव्वर फारूकी क्यूट है उतना उसका बेटा भी है. तो कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना. एंड वीडियो मैसेज वाज क्यूट, सो क्यूट. राजा ने तो सरानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी. कोई भी मोमेंट हो ये बंदा उसमें फन निकाल ही लेता है. एंड दैट्स व्हाट द क्वालिटी ऑफ obviously like मतलब comedian का. so he is justifying his persona by the way. I'm liking it. मुनव्वर को इनको nominate करने से कोई फायदा नहीं होगा, इनको तो channel ही नहीं निकालेगा. मतलब ठीक है जो बोला लाइक विक्की भैया ने कुछ हद तक सही भी बोला है. चैनल नहीं निकालेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पब्लिक उन्हें बाहर नहीं आने देगी ये तो फॉर श्योर है. मतलब भाई भूखा आदमी चाहे रोटी नहीं खाएगी. क्या मस्त गॉसिप इकट्ठा हुआ है कन्फेशन रूम में? पता है ज्यादातर लोग कन्फेशन रूम में क्या देखने आए थे? सोफा. वो ये रूम देखने आए थे कि जहाँ पे मुनव्वर और मनारा अक्सर आते रहते हैं. क्यूट.
एग्जैक्टली यार, अभी तक मुनव्वर और मनारा के अलावा तो और किसी को बुलाया ही नहीं था बिग बॉस ने, तो क्यूरियोसिटी तो होगी एंड दैट वाज सो क्यूट. वो ना ये बहुत ही परेशान आत्मा है जो परेशान हमेशा रहता है. I'm telling you, you are very jolly, very happy all the time. He's बहुत बहुत अच्छा बिग बॉस. काश मैं भी इसके बारे में सेम बोल पाता कि ये भी बहुत अच्छा है. नहीं मुनव्वर भाई ऐसा नहीं करते. ये गलत करे तुमने. मेरे को इनवाइट नहीं आया ना मनारा, बिग बॉस का तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता. आपसे एक हफ्ता बात नहीं करेंगे. दो दिन से कहाँ बात कर रहे हो आप? ऐसे करके बैठते हो ना? आज आज वो क्लैरिटी चाहिए अगर बिग बॉस. ऐसे बैठते हो ना आप? ऐसे तुम्हारे दोस्त बिग बॉस को ऐसे. ये दोनों के फाइट, ये दोनों के झगड़े, सब कुछ बहुत क्यूट है. आई लव देम टू वॉच टुगेदर. मैं बोलूंगी तुझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तू कौन है, तू कहाँ से आया है. ठीक है, जैसे तूने बीच में बोला मेरे मुर्गी की तरह लग रहा है, जैसे चिकन होते हैं ना, घूमते हैं ना, कुकुरु वो जैसा लग रहा है. अंकिता जी है और इसका रीजन मास्टरमाइंड फारूक की मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. आपने वो किया और आपने सबसे पहला रीजन आपका करते वक्त दिया था कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ और आप नहीं चाहते कि इस गेम में मुझे कोई पावर मिले. मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो इंसान बोलता है ना, मैं दिल से खेलती हूँ, दिल से खेलती हूँ. जब आप दिल से खेलते हो ना, तो प्लीज दूसरों के दिलों का ख्याल रखिए. आप दिल का ख्याल नहीं रखा आपने मेरे, मुझे बुरा लगा, मैं उससे ओवर हो गया. लेकिन जबकि मैं दुनिया में नहीं हूँ, बाहर की दुनिया में नहीं हूँ, इस गेम में हूँ, मुझे ये भी क्लियर करना होगा कि इफ यू कम फॉर मी आई कम फॉर यू. I love this part. मतलब जिस तरीके से बहुत प्यार से उन्होंने क्लियर किया है दैट अगर आप मेरे पास आओगे, मेरे लिए आओगे तो मैं आपके लिए जरूर आऊंगा. So I love it. अरे मैं बनूं पहला प्यार तेरा, मैं खानों का शराबी तू ना पहला जाम मेरा. मैं लूट चुका पूरा बाजार मेरा, जो बेकरार खुद तुझे क्या करार देगा. हाय बहुत ही प्यारा था, एक बार फिर से सुनते, मुझे बहुत पसंद आया इसलिए. तू चाहे मैं बनूं पहला प्यार तेरा, मैं खानों का शराबी तू ना पहला जाम मेरा. मैं लूट चुका पूरा बाजार मेरा, जो बेकरार खुद तुझे क्या करार देगा. सो फर्स्ट थिंग, शायरी से ज्यादा बेटर वे क्या हो सकता है मुनव्वर फारूकी के वीडियोस को एंड करने के लिए, बिकॉज यार वो उनका क्वालिटी है और वो जब भी शायरी करते हैं इट्स अलग लेवल. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस क्लिप्स, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना. ठीक है, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताना. मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, डोंट ट्रबल योर नीबो एंड बाय फॉर नाउ.